जी हाँ, आपको दिख रहा है कि महल तालाब के बाहर कितनी बढ़िया तैयारी की गई है, और आपको शानदार गणपति जी की जो तैयारी की गई है, महल तालाब को डेकोरेट किया गया, आपको दिख तो रहा ही होगा। तो आप लोग से इंतज़ार नहीं कराएंगे, पहले बप्पा के आपको दर्शन कराएंगे, फिर आगे की चीज़ें बताएंगे, बातें करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं हम लोग और बप्पा के दर्शन करके एंजॉय करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और बप्पा के दर्शन के बाद मिलते हैं। यहाँ पे रखे गए हैं महल तालाब के पास उरई के सबसे बड़े गणेश जी की मूर्ति, और उरई में सबसे बड़े गणेश जी की मूर्ति यहाँ महल तालाब पे रखी गई है। आप आइए, डेकोरेशन आपने देख ही लिया है कितनी बढ़िया है, और उसके साथ साथ ये लोगों के बैठने की व्यवस्था और गर्मी न लगे, कूलर वगैरह हर एक चीज़ की व्यवस्था रखी गई है। प्रसाद आप जाते समय आपको ग्रहण करवाया जाएगा, हर एक चीज़ की व्यवस्था है। और आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगती है, कैसी लग रही है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हार्दिक अभिनंदन श्री गणेश मराठा मित्र मंडल विकास सेवा समिति ट्रस्ट उरई जिला जालून की तरफ से भव्य गणेश महोत्सव का आयोजन किया हुआ है महल तालाब पर। हर साल के बाद इस साल भी भव्य आयोजन गणेश महोत्सव का। का बहुत मन हुआ और मुझे पता चला कि महल तालाब पर मूर्ति रखी है सबसे बड़ी उरई की, तो मैं आया देखने। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप देख सकते हैं सामने मूर्ति रखी है। मंडल विकास सेवा समिति ट्रस्ट उरई जिला जालौन, ये गणेश महोत्सव 26 साल से मनाया जा रहा है उरई नगरी में, और ये जनपद का सबसे बड़ा गणेश महोत्सव है। इस गणेश महोत्सव में हम तो एक माध्यम है, बकाया काम तो पूरे जनपदवासी करते हैं, हमारी उरई की नगर की जनता और माताएं बहनें करती हैं। और ये मूर्ति हम हर साल मुंबई से मंगवाते हैं। ये मूर्ति का नाम है जगदीशेख हलवाई, ये पुणे की प्रसिद्ध मूर्ति है। जैसे लालबाग के राजा है प्रसिद्ध, ऐसी ये पुणे की प्रसिद्ध मूर्ति है, उसको हर साल हम मुंबई से मंगवाते हैं। और बहुत अच्छा सहयोग मिलता है पूरा नगर का और पूरा जनपद का, और ख़ासतौर से हमारे पूरा सराबा बाजार का। और हमारा मराठी परिवार जनपद जालौन में करीब 40 वर्ष से रह रहा है, और ये 26 साल से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप दर्शन करने आते हैं तो आपको यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप यहाँ से जाइए, क्योंकि गणपति जी का प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो क्या किया। तो चलिए हम लोग भी प्रसाद लेते हैं और चलते हैं बाहर। धन्यवाद।